नमस्कार, वेलकम, सभी का स्वागत है इस अहिंसा कॉन्वर्सेशंस लाइव के सेशन में। आज हम डिसोम स्कूल ऑफ लीडरशिप के कई साथियों से मिलेंगे, उनके जो फाउंडिंग क्यूरेटर हैं बीरेन भूटा, उनसे मिलेंगे। और आज हमारा लक्ष्य काफी एक तरह से व्यापक है कि अहिंसा का जो आदर्श है या अहिंसा की जो प्रवृत्ति है इंसानों में, समाज में, उसका राजनीतिक लोकतंत्र एंड डेमोक्रेटिक राजनीति से उसका क्या लेन देन है, और इसको हम भविष्य में अहिंसा और लोकतंत्र को कैसे हम साथ लेकर चलेंगे, क्या संभावनाएं हैं और क्या दिक्कतें भी हैं, हम दोनों चैलेंजेस और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज, इन दोनों पे आज कुछ अपने अपने विचार, अपनी भावनाएं भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो अब मैं बीरेन जी से आग्रह करती हूं कि वो अपनी भी बात रखें। पहले हम सभी साथियों से, हमारे तीन साथी यहाँ और मौजूद हैं, मोहन दीक्षित जी, राजेश कुमार जी और एमके साहब जी, तो हम सभी से पहले राउंड में ये सुनेंगे कि उनका क्या परिचय है, वो कहाँ से आते हैं और उनका राजनीति और ये इस प्रकार की लोकतंत्र को मजबूत बनाने में कैसे उनकी भूमिका बनी, ये हम सुनेंगे। तो हम पहले बीरेन जी से शुरू करते हैं। वेलकम बीरेन जी। थैंक यू रजनी जी इस मौके के लिए, और बहुत बधाई आपको कि अहिंसा कॉन्वर्सेशन की ये जो सेकंड सीजन है, पहले 100 एपिसोड्स आपने कोविड के 108 एपिसोड्स कोविड के काल में आपने किए और बहुत ही पॉपुलर रहे, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड द सेकंड सीजन। तो धन्यवाद आपने हमें ये मौका दिया। मेरा नाम बीरेन है, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मुंबई में, और अभी तो खैर मैं मुंबई में कम रहता हूँ। और डिसोम द लीडरशिप स्कूल जो एक प्रयोग मैं और कई साथियों ने मिलकर इसको शुरू किया 2020 में, और 2021 के फरवरी में हमने पहला बैच हमारा शुरू किया था। तो हम दिस जर्नी हैज टेकन अस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हम पूरे देश में घूमे हैं। तो मैं उस सफर का एक हिस्सा रहा हूँ, उस कोर टीम का एक हिस्सा रहा हूँ। ये मेरा परिचय रहा छोटा सा। रही बात डिसोम की, डिसोम काफी लोग क्यूरियस होंगे शब्द क्या है, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है, बट ये एक्चुअली एक शब्द है जो हमने झारखंड के आदिवासी समुदायों से हमने बोरो किया है। वहां पर ये अक्सर एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं मेरे दिसोम जा रहा हूँ, मैं मेरे गांव जा रहा हूँ। तो उनके लिए दिसोम अपना गांव हो सकता है, झारखंड राज्य भी हो सकता है, पूरा हमारा देश भी हो सकता है, और अगर आप नजर को फैलाए तो पूरी धरती अपना दिसोम हो सकती है। तो ये हमारी सोच से बहुत रेजोनेट हो रहा था, दैट अ प्लेस विच इज वेयर योर सोल रिजाइड्स, जहां आपकी रूह बसती हो, जहां आपकी आत्मा निवास करती हो, वो दिसोम है। तो आज की जो तारीख में, जो समाज में, देश में, और एक्चुअली जो दुनिया में हो रहा है, जो बंटवारे की बात होती है, जो दुई की बात होती है, जो अलगाव की बात होती है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, दी अदरिंग की जो बात होती है, और उससे जो दरारें पड़ती है लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में, समाज के बीच में, देशों के बीच में, ये जो दरारें, जो फॉल्ट लाइंस हम देखते हैं, और इंक्रीजिंग ये डीप होती जाती है, ये जो फ्रैक्चर्स है बहुत डीप होते जाते हैं, जिससे वायलेंस क्रिएट होता है, हाँ, जिससे झूठ पैदा होता है, नफरतें, हेट्रेड होती है। तो हमने सोचा कि ये हमारे ये जो शब्द है, इट रेजोनेट्स विथ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड दैट इज के हमारे समाज, देश और दुनिया में एक ऐसा नेतृत्व की परिकल्पना हो जो सबको जोड़े, विच बिलीव्स इन द यूनिटी, इन द वननेस ऑफ ऑल। दलाई लामा जी अक्सर बोलते हैं आजकल कई सालों से कि लेट अस ऑल बिलीव दैट वी आर पार्ट ऑफ 7 billion people on this planet as belonging to one human species,
Actually, we should think of all sentient beings according to his teachings. But he said, let's start at least from the fact that we are all one, yeah, as human beings. And let's get over these micro identities and let's think of this meta identity. तो ये जो यूनिटी वननेस की बात है वो सबसे पहले हमारा ये सोच था. और एक ऐसी लीडरशिप जो सेवा भावना से उस स्पेस से आए, जो यू नो सर्वेंट लीडरशिप, एंड इन आवर लैंग्वेज सेवा इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड. नो सर्वेंट कैन बिकम सम, फॉर मेनी पीपल इट मेट हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन, बट सेवा इज रियली ब्यूटीफुल एंड इन ऑल रिलीजियंस टॉक अबाउट इट. तो एक सेवा भावना से, और जो अंतिम व्यक्ति को कैसे हम सेंटर में रख सकते हैं, तो ये हमारा दूसरा एक लीडरशिप का रिक्वायरमेंट था. और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच इज सो रेलिवेंट इन टूडेज टाइम फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, इज दैट कैन वी स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अ डीप इनर कोर. एक अंदर की जो एक आवाज होती है, हम अलग अलग नाम देते हैं, कोई उसको गॉड कहता है, कोई कॉन्शियंस कहता है, कोई गट इंस्टिंक्ट कहता है. गांधी जी कॉल्ड इट द स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन. एंड कैन वी स्टार्ट लिसनिंग टू दैट वॉइस, कैन वी गेट कनेक्टेड विद दैट वॉइस एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम दैट स्पेस. बिकॉज जब हम उस आवाज को सुनते हैं ना, तो अ बिगर फोर्स इज गाइडिंग अस, इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अस. और फिर हम गलत कर ही नहीं सकते, ना खुद से, खुद के लिए, ना औरों के लिए, ना पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए हम गलत नहीं कर सकते. और ये मेरा पर्सनल तजुर्बा रहा है कि जब जब मैंने उस आवाज को सुना है, आई ऑलवेज बेनिफिटेड. एंड जब जब मैंने उसको नकार दिया, और कई बार मैंने उसको नकार दिया है, उसको निगेट किया है, और मुझे हमेशा पछतावा हुआ है कि अरे यार मैंने वो क्यों नहीं सुना, दैट माय गट वाज टेलिंग मी, माय इंस्टिंक्ट वाज टेलिंग मी. सो दैट इज द लीडरशिप दैट वी आर ट्राइंग टू नर्चर, एस्पेशली in public life, and where the rubber really hits the road in our political space. And this is not party specific, person specific, or ideology specific. Ye cutting across the political spectrum, can we have this type of leadership? So ye hamara prayog raha. Pehla batch hamara pura hua, abhi dusre batch ki taiyari ho rahi hai. But pehle batch ke hamare 19 fellows mein, aaj hamare beech 3 fellows already ye course khatam karke abhi apne apne area mein gaye hai. And Rajni ji, it would be wonderful to listen to their backstories first as part of their introduction, and then the topic of today, ke non-violence in the context of democracy, jo aapne explain kiya, wo bhi hum unse unke vichar sunenge. So thank you for this opportunity. Bahut khoob, bahut khoob. Main iske baad Maula sahab ko bulane wali hoon, lekin pehle main ye add kar loon ki aaj hamare saath paigham ke saathi hain. नंदिनी और शिवम, पैगाम और अहिंसा कॉन्वर्सेशंस पार्टनरशिप में ये लाइव सेशंस कर पाते हैं, और इन दोनों के सहयोग और इन दोनों की टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के बगैर ये प्रोग्राम संभव नहीं है. तो नंदिनी और शिवम का भी वेलकम. तो एमके साहब, आप अपना परिचय और आपकी बैक स्टोरी एज बिरियन सेड बताइए. जी थैंक यू रजनी जी, थैंक यू. मेरा नाम ओरिजिनली मौला साहब था, अभी मेरा नाम एम के साहब है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा. मैं कर्नाटक के कोप्पल बोल के है, कोप्पल एक डिस्ट्रिक्ट है, वो नॉर्थ कर्नाटक में प्लेस करता है. इधर क्या हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, वो वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भी हम बोल सकते हैं हमारा कोप्पल डिस्ट्रिक्ट को, मैं उससे बिलोंग करता हूँ. अभी मैं एमए पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मेसन में पढ़ाई किया, उसके साथ साथ मेरा एक पॉलिटिकल जर्नी या स्ट्रगलिंग जर्नी भी था. उससे मैं अभी आकर मैं कुछ ब्यूरोक्रेट बनना चाहता था, लेकिन बहुत सारे मूवमेंट्स मुझे ऐसा किया कि नहीं, वो मेरा स्पेस नहीं, मैं कुछ राजनीति में जाना चाहिए. उसके बाद मुझे डिजोम मिला. डिजोम का एक एक्सपोजर, वो बहुत बड़ा एक मैच्योरिटी और एक इनर वॉइस को सुनने का एक मौका मिला. उसका वजह से मेरा नाम के साथ अभी बताऊंगा, एमके मींस एक्चुअली मैं पीछे दिख रहा, मैं भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, उसको मैं फॉलो भी करता हूँ. एमके मींस मोहनदास करमचंद गांधी, साहेब मींस बाबा साहेब अम्बेडकर. मैं ये मेरा ये डिजम जर्नी में मैं सोचा क्या मेरा व्यूज तो बहुत डिफरेंट है क्या इन लोगों को, दोनों लोगों के बीच के अलावा, लेकिन हम को एग्जिस्ट कर सकते क्या. सो आई थिंक मैं इसको प्रोसेस किया, आई थिंक हो सकता है कि आज का दिनों में गांधी वर्सेस अम्बेडकर, गांधी वर्सेस भगत सिंह,
इसको निकाल कर गांधी या भगत सिंह, गांधी या अम्बेडकर कैसे हम डाल सकते हैं, उसके लिए आई थिंक मैं मेरा नाम भी वो इंक्लूड किया, मैं उसको प्रोसेस की भी किया, मतलब बहुत डायलेमा आया मेरे अंदर। उसके बाद में मुझे आज बहुत रियलाइज हो रहा कि इंडिया में और दुनिया में भी बहुत सारे विचारों के साथ हम जी सकते हैं, ये मेरा है छोटा परिचय। थैंक यू रजनी जी, बहुत खूब, शुक्रिया। तो अब हम मोहन जी से उनका परिचय सुने। नमस्कार मोहन जी, वेलकम। नमस्कार, धन्यवाद रजनी जी। मेरा नाम मोहन दीक्षित है और मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं वकील हूँ, साथ ही कुछ मानवाधिकार और सामाजिक संगठनों में मैंने लीगल एडवाइजर के रूप में काम किया है। और मैंने मतलब न्यायालय में काम करने से पहले मैं नवोदय, मतलब मेरी बचपन की जो शिक्षा हुई है वो नवोदय विद्यालय में हुई है और मेरी एक राजनीति के प्रति यदि दृष्टि देखे तो वहां से एक विकसित हुई है कि वहां जैसे ही नवोदय के किसी भी नवोदय के गेट पर जाएंगे तो वहां लिखा रहता है कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। और वो मैं मतलब पूछता था कि ये होता क्या, मैं नहीं जानता था जब मैं नवोदय में गया कि ये क्या होता है वास्तविकता में, तो वो मैं वहां पर जान पाया। और मतलब मैं सोचता था कि जब मेरे मतलब एक ध्येय बना कि न्याय के लिए काम करना है, लेकिन न्यायालय में आकर मैंने देखा कि न्यायालय के माध्यम से हम जिस अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं उस अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच बहुत मुश्किल है, तो वो मेरे लिए बड़ा पीड़ादायक रहा। और अभी वर्तमान में मैं जो है ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए काम कर रहा हूं कि भाई किस तरह से उस अंतिम व्यक्ति तक संभव हो पाए, ये मेरा एक छोटा सा। बढ़िया, थैंक यू। राजेश जी वेलकम। धन्यवाद। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं फिलहाल महसूस करता हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, तो पिछले 2 सालों में पूरे देश में बहुत जगहों पे गया हूँ, मुझे लगता है मैं उन सब जगहों से हूँ और कहीं से भी नहीं हूँ। एक फॉर्मली जब कोई पूछता है तो मैं बिहार के नालंदा में मेरा जन्म हुआ और पिछले 20 सालों से मैं झारखंड में रह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ बिहार में पैदा होकर के मैं झारखंड से हूँ। अभी डिसोम के साथ 1.5 सालों तक इंगेज थे, उसके पहले मैं एक लेक्चरर के रूप में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। करीब 5-6 सालों तक मैं आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहा था, कुछ सामाजिक संगठनों के साथ शिक्षा पे काम कर रहा था और इस तरह सामाजिक और राजनीतिक संगठनों और अलग अलग मुद्दों के साथ लोगों के बीच में काम करता रहा हूं जी। तो अगले भाग में आप सभी से ये आग्रह है कि ये जो 2 बहुत बड़े, अब उनको कई लोग खाली शब्द मानते हैं, हम में से कई लोगों के लिए ये बहुत बड़े असूल हैं या वो हैं, मूल्य हैं, अहिंसा और लोकतंत्र, तो इन दोनों का आपके लिए क्या मायने है? मतलब अब इसमें हम बुक्स में क्या डेफिनेशन आती है वो हम छोड़ दें, क्योंकि हम मान के चलें कि हमारे सब जो दर्शक होंगे वो भी टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हैं, उन्होंने देखी भी होगी। आपके अपने जीवन अनुभव से अहिंसा क्या है और लोकतंत्र क्या है, तो अब हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। राजेश जी पहले आप, फिर मोहन जी और फिर एमके साहब और आखिर में बीरेन। तो राजेश जी बताइए जी। तो आपने जो 2 शब्द रखे हैं, एक तो अहिंसा और दूसरा डेमोक्रेसी, 2 चीजें हैं। एक तो मैं जिस जगह से आता हूं वहां पे शिक्षा की बहुत खराब स्थिति है, साक्षरता भी बहुत कम है, ये एक तो ये। दूसरा कि जो गांधी जी ने कहा था, मैं वहां से डराइव करता हूँ कि भाई जब हमारे फैसले होते हैं किसी भी जगह पे हम फैसले लेते हैं तो जो अंतिम व्यक्ति होता है जो सबसे बुरी स्थिति में होता है, तो क्या हमारे फैसले से उसको कुछ फर्क पड़ता है? माफ कीजिए वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि उस अंतिम व्यक्ति को हमारे फैसले से कुछ फर्क पड़ता है क्या? मुझे लगता है जब हम डेमोक्रेसी को मैं देखता हूं तो ये दोनों ही बातें
आई थिंक नेटवर्क का इशू है शायद, तो ऐसा करते हैं एक मिनट राजेश, आई थिंक नेटवर्क का इशू लगता है ना, आई थिंक कॉल आ गया था, सॉरी। ओके ओके, हाँ चलिए कंटिन्यू प्लीज। हाँ तो मैं कह रहा था कि वो जो कहते हैं कि भाई वो उस अंतिम व्यक्ति की जो भागीदारी है, हम साधारणतः डेमोक्रेसी में जो बहुमत की बात कर रहे हैं, तो तीन चीजें इसमें है कि बहुमत की जब बात करते हैं तो जो बच जाते हैं बहुमत से उनका क्या, मुझे लगता है जब हम उनकी बात करते हैं उनको भी ये फील हो कि मैं इस बहुमत में नहीं हूं लेकिन मैं उसमें इंक्लूड हूं, तब मेरे को लगता है कि उस जगह पे डेमोक्रेसी है। खास करके वर्तमान समय में ना केवल भारत बल्कि दुनिया के हर एक हिस्सों में अगर हम विपक्ष की जो शायद विरोध की जो आवाज है, वो विरोध करने वाले, वो सवाल करने वाले लोग कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं सवाल को उठाते हुए, वो उन्हें भय नहीं लग रहा, उन्हें ये लग रहा है कि उनकी अब विरोध की आवाज को भी कोई सुनेगा जो सामने सत्ता में बैठा है या जो डिसीजन ले रहा है या जो बहुमत में है। तो मैं देखता हूं कि अगर ये सिचुएशन है तो मेरे लिए एक आदर्श स्थिति है डेमोक्रेसी की। जब अहिंसा की बात करता हूं तो वही बोल रहा हूं कि लास्ट व्यक्ति केवल ये जो वायलेंस, फिजिकल वायलेंस है, इससे हट करके उस व्यक्ति को उसका प्रेजेंस शो करने के लिए, अपने आप को फील करने के लिए कि मैं इस जगह पे हूं या नहीं हूं, मेरी आवाज कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, मेरे गांव के अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रहा है, आज भी अगर 15 साल की स्थिति में उम्र में बच्चे जो है काम करने के लिए मजबूर है चाइल्ड लेबर के लिए, अगर उनके मन में ये सवाल उठ पाए कि भाई हमारे लिए स्कूल चाहिए और जो उनको प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो उनको प्रोवाइड करवा पाए, तो मुझे लगता है कि वो एक अहिंसा की स्थिति है जहां पे हम अपने डेवलपमेंट के लिए जो एक परिस्थिति चाहिए वो मिल पा रहा है मुझे, तो मैं समझूं कि अहिंसक वातावरण में या अहिंसक व्यवस्था में मैं हूं। दूसरा कि मैं गांधी जी से खुद को बहुत डिराइव करता हूं, वहां से देखता हूं जो उन्होंने कहा था कि सामने वाला इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अगर मेरे में ये भाव है तो शायद मैं अहिंसा के रास्ते पे हूं। तो राजनीति में, वर्तमान लोकतंत्र में भी अगर इसके लिए स्थान है, ये हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम दूसरों को टॉलरेट कर सकते हैं, हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं और हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, आई थिंक अगर ये तीन चीजें हैं तो मैं ये महसूस करता हूं कि हम अहिंसा के रास्ते पे, वो मेरे लिए अहिंसा है। और मैं भी अपने डे टू डे लाइफ में इसको देखता हूं कि भाई कई बार जब गुस्सा आ जाता है तो फिर वो रिमाइंड होता है कि अच्छा मैं तो एक तरह के हिंसा में, हिंसा के उस प्रोसेस में जा रहा हूं, तो मेरे को स्टॉप करता है कि हिंसा का मतलब तो मेरे लिए ये है, मैं उसको जी पा रहा हूं कि नहीं जी पा रहा हूं, उस प्रेम को, उस सहनशीलता को, उस क्षमा करने की जो हमारी, मैं कहूंगा कम होती जो हमारी क्षमता है, उसको हम जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। तो अहिंसा को मैं इस प्रेम, सहनशीलता और टॉलरेंस के रूप में मैं देखता हूं। जी बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मोहन जी को बुलाने से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूं कि हमारी एक और साथी ने भी हम शामिल होना था, ललिता जी, वो भी इसी कोहोर्ट की डिसोम फेलो हैं, लेकिन लास्ट मिनट उनके फैमिली में उनकी माताजी की तबीयत ना ठीक होने के कारण उन्हें आज वो शामिल नहीं हो पा रही है, बट वो, मैं मानती हूँ कि इन स्पिरिट वो हमारे साथ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और ऐसे सेशंस करेंगे जिनमें हम उनकी भी बात सुनेंगे। तो मैंने कहा मैं अपने सब देखने वालों को ये बता दूं कि महिलाएं भी हैं डिसोम फेलोशिप में और कई महिलाएं हैं, तो ये इत्तेफाक की बात है कि आज हम तीनों ही पुरुष साथियों को सुन रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम और सेशंस करेंगे। मोहन जी प्लीज। आई थिंक मोहन जी का शायद कुछ नेटवर्क का कनेक्टिविटी इशू चल रहा है,
तो एमके साहब फिर आप आ जाइए, आप अपनी बात बताइए और फिर हम बाद में मोहन जी को सुनेंगे। या रजनी जी, मुझे लगता है कि अहिंसा हम बात भी करते हैं और उसको देखते ना, मुझे लगता है कि अहिंसा दो तरीके होते, हिंसा दो तरीके होते हैं, एक मानसिक होते एक शारीरिक होते। लेकिन बहुत सारे टाइम हम देखते हैं कि एक शारीरिक हिंसा ही हिंसा है। मैं अभी रिसेंटली कुछ साथी के साथ, मुझे पैरा हुआ क्या बोलते ना एनवायरमेंट, वो कुछ के उसके बारे में उतना बहुत ज्यादा नहीं पता नहीं था पहले चीज आप स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैं उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, उसको रिसर्च करना स्टार्ट किया, जब भी मुझे एक अटैचमेंट लगा। उसके बाद मेरा फ्रेंड एक बात कन्वर्सेशन में मुझे बोल रहा था, एक पेड़ में एक गुलाब गुलाबी रहते, वो रोज रहते, वो रोज को हम क्या बोलते ना भगवान को चढ़ाने के लिए हम उसको काटते निकाल कर उसको भगवान के साथ रखते। उन्होंने बताया मतलब उसको भी जीव है, उसको भी क्या बोलते ना वो रोज को हम निकालते हैं ना, वो भी एक एक तरीका हिंसा है। मुझे लगता है कि हम वो हिंसा को भूल गए हैं। हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक शारीरिक हिंसा को हम हिंसा कहते, एक मानसिक हिंसा होते है। लेकिन वो हिंसा मानसिक हिंसा को भी हम बातचीत करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। एक चीज लग रहा है। और एक डेमोक्रेसी का बात आते ना, मुझे लगता है कि जब वैसा पावर्टी को जब उसको रिचनेस मिलता है, जब क्या मेरा साथी आरके ने बोल रहा था जब लास्ट पर्सन का सुना एक बात हो गया, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत सारे चीजों में एग्जांपल मेरा कुछ फ्रेंड्स को कुछ हो गया, उनको मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं एक सत्ता में हूं, मैं एक अधिकारी हूं, मैं कुछ पॉलिटिशियन हूं, लेकिन मैं मदद ऑफिशियली नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ जाकर बैठना, वो प्रेजेंस महसूस करना, आई थिंक ये भी एक डेमोक्रेटिक का पार्ट है। ये आई थिंक हम इसको भी प्रोसेस करना चाहिए। आज का मोबाइल का दुनिया में मैं भी सोच रहा था, हम नेट मोबाइल में अच्छा मैसेज करते हैं, मेरे बारे में बहुत अच्छा स्टेटस रखते हैं, लेकिन जब मैं उसको मिलना चाहता नहीं, जब हम मिलते जब बात ही नहीं होता। मतलब एक डेमोक्रेसी को मैं सोच रखे एक कन्वर्जेशन, एक डायलॉग, और एक सिचुएशन में क्या दुखित सिचुएशन में एक व्यक्ति का महसूस करना, आई थिंक ये एक डेमोक्रेटिक का पार्ट होते है। आई थिंक मेरा एक पहला। थैंक यू मोहन जी, आप गुड, आपका कनेक्शन वापस आ गया। अब आप अपनी बात रखिए। आप जी धन्यवाद। तो जैसे मेरे मित्र आरके ने कहा था, वहां से मैं शुरुआत करता हूँ जो सुनने की बात है। तो मैं ये मानता हूँ कि अहिंसा और लोकतंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बगैर अहिंसा के लोकतंत्र बहुत मुश्किल है। और अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे मित्र जानते हैं कि मैं शायद मतलब अभी एक अहिंसा को सीख रहा हूं अपनाना। मैं बहुत मतलब मुझे बहुत कई बार बहुत विरोधाभास में जीता हूं। मतलब मैं हिंसा और अहिंसा के बीच में मेरे पास बहुत मतलब एक विरोधाभास की स्थिति रहती है कि अब क्या किया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो देश से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में हमारे जो हम मेरे जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें मैं कितना लोकतंत्र को अपना रहा हूँ, मेरे घर में मैं कितने लोकतंत्र को। मैं अब मतलब ये मेरी दृष्टि अब विकसित हुई है। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, उसकी शुरुआत मैं कहाँ से कर पा रहा हूँ। क्या मैं तो ये देखता हूँ कि क्या मैं अपने चेहरे का जितना ध्यान रख रहा हूँ, क्या मैं अपने कलमों का भी उतना ध्यान रख पा रहा हूँ, क्या अपने शरीर से मैं कितना लोकतांत्रिक हूँ, फिर मैं परिवार से कितना लोकतांत्रिक हूँ, गांव में कितना लोकतांत्रिक हूँ, उस तरह से मैं लोकतंत्र को देखता हूँ। और जब हम यहाँ से स्वयं से शुरुआत किसी भी चीज की करेंगे, मेरा ऐसा मानना है, तो निश्चित रूप से फिर हम उसको एक दूरदृष्टिता में देख सकते हैं, और वो मैंने महसूस किया। और मैं अहिंसा में एक माफी को एक बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और मेरा एक खुद का एक अनुभव है कि मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ उसमें मतलब मैं ये मानता था कि ये तो सिस्टम का एक पार्ट है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत दूध का धुला हुआ था या इस तरह से, मैं इस बात को मानता हूँ। तो मैं भी उन सब चीजों को करता था जो एक न्यायालय में जो आज देखने को मिलती है जो सारी चीजें। तो
जब मैं वो चीजें करता था तो मैं उसमें अपने आप को तर्क ही देता, जब उससे बातचीत करता था कि ये सिस्टम का पार्ट है और हमें करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने अपनी यात्रा की और यात्रा के दौरान एक बार बीरेन जी से ही मेरी बात हो रही थी और हमने गांधी आश्रम में गांधी को पढ़ा था, उसके बाद में फिर बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मान लो हमसे जो गलतियां हो गई हैं उसके लिए क्या करें, तो इन्होंने कहा कि अगर दम है तो हमें माफी मांग लेना चाहिए, हमें उसको बताना चाहिए कुछ। तो मैंने अपने एक क्लाइंट को फोन तक किया और मैंने कहा कि यार मैंने तुम्हारे साथ ये पिछली साल जो तुम्हारा जो केस लिया था उसमें इस तरह से मैंने आपसे नाजायज पैसे लिया था और ये मैंने आपसे गलत किया था। तो मुझे लगा कि कुछ मतलब वहां से पता नहीं क्या बोलेंगे क्या होगा, मैंने कहा मैं आपका ये पैसा जो है वापस करना चाहता हूँ, विदिशा में ये सप्पाड़ा गाँव है वहां के क्लाइंट थे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये आप कैसी बात कर रहे हो। और उसके बाद में हमारे जो संबंध बने, पहले एक वकील और एक क्लाइंट के संबंध थे और आज एक बहुत आत्मीयता के संबंध है, आज बात होती है बहुत ही अच्छे से बात, मतलब एक बहुत अलग एक अलग लेवल के एक संबंध बने हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें जैसे दोस्त मेरे दोस्त आर के ने कहा था कि क्षमा न्याय, तो इन शब्दों का अहिंसा में बहुत महत्व, प्रेम क्षमा न्याय इन्हें हमें अपनाना होगा और लोकतंत्र में हमें शुरुआत खुद से ही करनी होगी, ये मेरा दोनों शब्दों में। बहुत खूब बहुत खूब। बीरेन जी थैंक यू, मुझे लगता है तीनों ने बहुत अपने अपने अनुभव से दोनों शब्दों को अपने अनुभूति से एक्सप्लेन किया। मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बात करना चाहूंगा। लोकतंत्र जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं पिछले कई मेरे जो भी असाइनमेंट्स रहे इन माय पास्ट करियर, उसमें एक तरह से एक ऐसे पोजीशन में था कि जब जहां मैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी हुआ करता था एंड देयर वर ऑलवेज पीपल जो मेरा आग्रह है कि आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आपकी वो जो पहले की पोजीशन थी, क्योंकि वो हमारे सब देखने वाले दर्शकों को नहीं मालूम, तो थोड़ा सा बता दीजिए वो जो आपका टाटा स्टील वाला जो और आदिवासियों के बीच में जो काम करने का एक शुरुआत हुई आपकी, वो बताइए जी। तो पहले मैं एक मेरा जो वर्किंग लाइफ है स्टार्टेड एज अ कॉर्पोरेट बैंकर विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और फिर लगा बैंकिंग में नहीं काम करना है तो फिर मैं पत्रकार बन गया। तो मैं कई साल NDTV के साथ बॉम्बे में बतौर पत्रकार काम कर रहा था और फिर कुछ दिन मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आदिवासियों के साथ रहा और वहाँ पे काम किया। फिर उड़ीसा में जो समुद्र कछुए होते हैं सी टर्टल्स, उसके प्रोटेक्शन के लिए IUCN के साथ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसके साथ मैं 2 साल काम किया। एंड देन माय इमीडिएट लास्ट असाइनमेंट वाज एज चीफ ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट टाटा स्टील इन झारखंड। तो एज यू सेड के बहुत सारे आदिवासी समुदायों के साथ काम करने का एक मौका मिला था और उससे एक समझ बनी थी और एक प्यार हो गया था आदिवासी जीवन दर्शन से, जो उनका एक वर्ल्ड व्यू है उससे एक फैसिनेशन हो गया और लगा कि अगर दुनिया को बचना है, दुनिया को बचाना है, तो शायद दीज आर द लास्ट कस्टोडियंस ऑफ सम इंडिजिनस विजडम दैट कैन रियली सेव ऑल ऑफ अस। एंड मुझे लगता है वो विदाउट रोमांटिसाइजिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, आई थिंक द वैल्यूज विच आर एम्बेडेड इन दैट वर्ल्ड व्यू आर सो सो इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर टूडेज टाइम। सॉरी फॉर दैट डाइवर्जन। तो मैं जब मेरे सब जो भी पुराने जितने भी जॉब्स थे एंड पीपल वर्किंग इन द टीम, तो हमेशा एक अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स विद द बॉस एंड द बॉस हैज टू टेक अ डिसीजन और मोस्ट ऑफन दीज आर नॉट रियली लोकतांत्रिक डिसीजन, दीज आर नॉट डेमोक्रेटिक डिसीजन, दिस आर मोर इन द नेचर ऑफ माई वे और दी हाईवे और एट बेस्ट थोड़ा सा कंसल्टेशन, बट इट इज मोर अथॉरिटेटिव, मोर डिक्टेटोरियल एंड आई कुड सी माई सेल्फ एज दैट एंड अभी भी आई कैन सी ट्रेसिस ऑफ दैट विद इन माई सेल्फ। बट कमिंग टू दिस होम, हमारी एक बहुत सुंदर प्रक्रिया हमने पूरे साल भर में, पूरे 15 महीने की जो हमारा प्रोग्राम है उसमें निरंतर ये प्रक्रिया हमने फॉलो की, जिसको हम बोलते थे मजलिस, जहां पर हायरार्की होती नहीं है, सब एक ही सर्कल में बैठते, तो कोई हायरार्की नहीं है,
डब्बे में हायरार्की आ जाती है, बट सर्कल्स में वो आदिवासी लोग सर्कल में सब कुछ होता है उनका, तो उसमें हायरार्की पहले खत्म हो जाती है। दूसरा, हर व्यक्ति की आवाज होती है और उसको सुनना सुनना भी पड़ता है और सुनना इम्पोर्टेंट है। फिर डिसीशंस जब लिए जाते तो आई फाइंड माई सेल्फ स्ट्रगलिंग इनिशियली, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट टू दिस न्यू पैराडाइम के पहले तो मैं सोचू और कर लूं, अभी सबकी राय लेनी है, सबकी सहमति लेनी है, सबके बहुत विपरीत पोजिशंस भी हो सकते हैं, उनकी नीड्स अलग हो सकती है, तो यू आर बीइंग मोर इंक्लूसिव, मोर समावेशी आप बनते हो डिसीशन, और वो जब सबकी सबकी सहमति होती है डिसीशन में तो लंबे समय तक वो चलता भी है, ऐसा उसको बाय करते हो डिसीशन को, होल्ड ओन करते हो उस डिसीशन को। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग था, एंड फॉर मी दिस इज डेमोक्रेसी, एंड लाइक राजेश सेड दैट हर व्यक्ति की आवाज और हर व्यक्ति को ये महसूस हो दैट आई बिलोंग हियर, दिस इज माय, यू नो, आई मे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द पावर्स दैट बी, जो अभी फिलहाल एक टेम्पररी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे आर इन दैट पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या but it's not as if it's their inheritance, they are there to serve and not to rule, and I may have a difference with them, I may not you know agree with their ideology, but I still belong and my voice is heard. It not necessary that every time it has to be agreed with, but it is heard, it is given cognizance. To ye bahut important hai aur ye main seekh raha hu abhi, and it has been a great learning experience for me as to how I can adopt it in my own thinking, in my own actions, in my own behavior. So that's Loktantra for me. Non-violence, बहुत शारीरिक हिंसा में तो पहले से मैं मानता नहीं और अभौर करता हूँ, but कभी कभी वो भी हो जाती है. Your mind doesn't work and subconsciously, unconsciously you do some acts which are rash. तो देर वॉज वंस आई सॉ वन होल वॉल, इसमें बहुत सारी चीटियां चल रही थी, देर वॉज लाइक अ स्वॉर्म ऑफ एंट्स ओवर देयर, एंड माइंडलेसली, एंड आई रियली रिग्रेटेड एंड रिपेंटेड ओवर इट, बट माइंडलेसली आई टुक अ बकेट टम्बलर ऑफ वाटर एंड आई जस्ट पोर्ड वाटर, एंड आई सेड अरे ये सब चीटियां यहां से हटाओ, यू नो थिंग, एंड टू मी दैट वॉज वायलेंस, यू नो. फिर बाद में रियलाइज व्हाई डिड आई बिहेव दिस, दे वर नॉट हार्मिंग मी एट ऑल. And even if they were coming in my way, I could have done something else, done things differently to get them out of the way. But this act of mine was violence, and this came as a reflex thing. It made me afraid. मेरे को खुद को डर लगा कि अरे मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ. But more than physical violence, जो एक सोच की violence होती है, sometimes हम लोगों को नहीं समझते, लोगों को space नहीं देते. एक assumption करते from a space of judgment हम किसी के ऊपर करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मुझे लगता है violent, more violent than any physical violence can, because physical violence is manifest, वो दिखता भी है और उसको रोका भी जा सकता है, पर ये चीज बहुत beneath the surface काम करता है. It's like a snake which is slithering and comes with that slit in your door and you don't even realize it. It's so subtle and वो बहुत dangerous होता है. तो वो constantly अपने आप में check करना है. Like Mohan said, ये निरंतर process of checking within yourself where you are going wrong, where you are being more and more violent in your thought towards others, towards yourself, towards the environment. तो ये दोनों चीज़ पे मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए. बहुत खूब. तो ये जो सबकी इनर जर्नी है और आप लोग जो कुछ कह रहे हैं वो करीब करीब सभी अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में भी यही बात निकल कर आती है किसी ना किसी अलग अलग रूप से, कि हर इंसान पहले तो अपने भीतर इस जर्नी पे है, इस राह पे है, एक किस्म से एक संघर्ष भी है, एक अंदरूनी संघर्ष रहता है जिसमें हम अपने, फॉर एग्जाम्पल, क्रोध, सभी को अपने भीतर के क्रोध से जूझना पड़ता है.
तो ये तो सबकी जर्नी जो है वो अपनी जगह अलग अलग किस्म की इंटेंसिटी पाती है और अलग समय पर अलग उसकी एक वो क्या कहते हैं तीव्रता रहती है। तो इस इन जर्नीज को एंकर मान के आप सभी अभी वर्तमान का जो हमारे बाहर समाज और राजनीति का जो माहौल है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज हम उस समय में जी रहे हैं जहां काफी जोर से कहा जा रहा है कि अहिंसा ने इस देश को कमजोर बनाया और अहिंसा की ज्यादा जय जयकार करने से समाज में क्या कहते हैं डिस्टॉर्शंस और कमियां आती हैं। और दूसरे हाँ ये भी कहा जाता है कि अरे ये अहिंसा तो ओढ़ी हुई चीज है, असल में तो प्राणी जो है मानव प्राणी जो है वो हिंसक ही होता है। तो इस माहौल में आप लोग चैलेंज को कैसे देख रहे हैं कि जो हमारे सामने एक देश के रूप में एक समाज के रूप में आज जो चैलेंज है लोकतंत्र को कायम रखने की, उसको बचाने की एक किस्म से और आगे जाके मजबूत बनाने की, वो क्या चैलेंज है? तो अब मैं आप जैसे आपका मन करे जो पहली अपनी बात रखनी चाहे अपने विचार प्लीज इस पे शेयर करिए। एमके साहब आप प्लीज गो अहेड। मुझे लगता है कि आज का दिन में क्या हम सत्ता क्या हम मैं उसको ही कनेक्ट करूंगा, सत्ता ने सत्ता से बहुत सारे बहुत हिंसा, मुझे लगता है कि हिंसा एक आम लोगों से नहीं ज्यादा होते, एक सत्ता और एक पावर से हिंसा होते वो अनगिना से ज्यादा होते। मुझे लगता है कि उसका रीजन ही है कि कौन हिंसा करते ना उन लोगों का एक फियर है। आई थिंक वो फियर ही है कि मेरा कुर्सी हट जाएगा, मेरा गरिमा कुछ हो जाएगा, मतलब मेरा पावर गिर जाएगा। ये फियर ऑफ एमके जी बताओ तो आप एक बोल रहे एक मिनट नहीं नहीं एमके साहब फियर ऑफ से फ्रीज हो गया तो आप वो उनको फियर ऑफ वाली सेंटेंस से पूरा फिर से दोहरा दीजिए प्लीज, नेटवर्क फ्रीज मतलब हो गया था। एक ऐसा फील मतलब मुझे लगता है कि कौन हिंसा करना चाहता है वो मुझे उसको मैं डायरेक्टली पावर और अथॉरिटी वो करना ज्यादा चाहते है क्योंकि उनको एक फियर है कि मैं मेरा कुर्सी लॉस करूंगा, मेरा एक स्टेटस सो कॉल्ड स्टेटस को हम लॉस करूंगा। यह फियर उन लोगों को हिंसा करने के लिए ज्यादा पुश करते हैं, मुझे ऐसा फील होते कभी कभी। और मुझे इसको कॉन्ट्रोडिक्टिव व्यू में मैं इसको देख रहा था, आप बोल रहे थे कि अभी प्रेजेंट आप ही बोले कि ये देश को आगे लेने के लिए अहिंसा कमजोर कर दिया, ये मुझे लगता है एक बहुत झूठ बात है। क्योंकि मैं इसको एग्जांपल भगत सिंह का एक स्टोरी से बताऊंगा। भगत सिंह ने क्रांति को बिलीव करता था, रेवोल्यूशन को बिलीव करता, उसका मतलब यह नहीं था रेवोल्यूशन मतलब लोगों को मारना नहीं था, लोगों का खून पीना नहीं था, क्रांति का मतलब था एक सोशल मतलब कि इक्वल सोसाइटी को बिल्डअप करना, वो नया सोसाइटी को बिल्डअप करना, उसका यह मतलब। पहले उन्होंने सैंडर्स को मारा लेकिन उसके बाद उन्होंने जेल के जाने के बाद 2 सालों में महात्मा गांधी ने उतना उपवास सत्याग्रह नहीं किया, उतना फास्टिंग नहीं किया, उतना फास्टिंग मिनिमम 5 महीने फास्टिंग किया उनका टोटल ऑफ उसको देश को हम मिक्स किया तो 5 महीना। ये 5 महीना फास्टिंग क्या हमको बोलते है, मतलब एक मुझे लगता है एक अहिंसा कन्वर्जेशन है ना वो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल अभी हमारा फार्मर्स ने क्या किया, उनके साथ गोली नहीं था, बंदूक नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक एक अंतरात्मा का एक शक्ति था, हम बैठेंगे कैसे बैठेंगे, चुप बैठेंगे, हमारा विचार को हम बात करेंगे, हम कन्वर्सेशन करेंगे, सत्ता है तो हम ढेला करेंगे, सत्ता नहीं है तो हम बैठेंगे। सत्ता पहले ले आना पड़ा, बाद में कन्वर्सेशन हुआ, वो कितना तक हो पाया वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारी झूठ बात है कि एक अहिंसा ने देश को बर्बाद किया, नहीं मेरा लगता है कि ये अहिंसा ने देश का गरिमा को ऊपर किया, वो बुद्ध से लेकर
गांधी से अहिंसा नहीं आया, उसके पहले से बुद्ध भी था, बुद्ध ने वही मार्ग पकड़ा, क्या सच है? मुझे लगता है कि वही अहिंसा भारत का एक पहचान है। हम उसको भूल रहे, वो क्यों भूल रहे कि ये फैसिस्ट ऑफ फैसिस्ट क्या फैसिस्ट का सोच क्या बढ़ रहे ना, उन लोगों ने उनका फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ स्टेटस का एक वजह से हमको ऐसा एक सोल्ड आउट मीडिया से हमको ऐसा फील करवा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। शुक्रिया। कौन बोलेगा? राजेश जी, वेरी गुड। तो एक जो डर की बात थी, आपने एक बात अभी कही थी कि हम इंसान हैं और हम तो भाई नेचर से ही भी जो है हिंसक होते हैं। तो हमारा जन्म होने का जो प्रोसेस है, हमारा या किसी भी एनिमल का या लिविंग बींग जो है उसका, दोनों में अंतर क्या है, हम में और बाकी लोगों में, बाकी जो लिविंग बींग है, लिविंग बींग्स है, चाहे वो एनिमल्स हो या कुछ और, कि हम थोड़े रेशनल है, अपने आप को समझते हैं, हम सोच सकते हैं। तो अहिंसा को हम अपना सकते हैं सोच करके, लेकिन किसी एनिमल से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक बड़ा डिफरेंस जो है वो अहिंसा सेट करता है हम में और दूसरे जीवों में एक अंतर पैदा करता है। तो ये मैं इसको गलत मानता हूं कि भाई भाई नेचर ही ऐसा होता है। नेचर हमारा परिस्थितियों के अनुसार और जैसे हमारा जीवन का विकास होता है वैसे उसके अनुसार बदलता है। तो हमारे आसपास जो परिस्थितियां होती है, हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है। तो हम ये टैग नहीं कर सकते कि भाई भाई नेचर जो है हम तो हिंसक ही हैं। तो मेरा एक तो ये विचार है। दूसरा कि मैं वर्तमान समय में मानता हूं कि दुनिया के किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर लोकतंत्र है और उसी जगह पे किसी भी फॉर्म में वायलेंस हो रहा है, तो वहां पे लोकतंत्र उसके एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि वायलेंस और लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी एंड वायलेंस, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमारा अदर कंटेक्स्ट, लेकिन ये दो जो टर्म है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वायलेंस हो रहा है और हम कह रहे हैं कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, तो एक बार हमें सोच करके जो है उस स्टेटमेंट पे या अपनी उस बात पे एक प्रश्न लगा करके खुद को देखने की जरूरत है। वर्तमान स्थिति में मुझे लगता है कि इस देश में खासकर बात करें तो अहिंसा ने इस देश को बहुत बर्बाद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे सभी विचार को धारण करने वाले लोगों से, हम भारत की संस्कृति पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, हम कहते हैं हम सबसे पुराने सभ्यता वाले लोग हैं, विदेशों में जाके कहते हैं हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, ये भी कहते हैं हम गांधी के देश के लोग हैं, हम अम्बेडकर के देश के लोग। तो जिस परंपरा पे, जिस सभ्यता पे, जिस संस्कृति पे हम गर्व महसूस करते हैं, क्या उस संस्कृति के कोर में कहीं भी वायलेंस मिलता है क्या? वो चाहे हमारा धर्म का कोर हो, चाहे हमारे हमारे साथी ने भी बुद्ध की बात कही, हमारे साथी ने भी गांधी की बात कही, पैगंबर मोहम्मद और दूसरे धर्मों का जो कोर है जिसमें हम गर्व महसूस करते हैं, आप देखिए उसका जो कोर है वो वायलेंस नहीं है, नॉन वायलेंस है, वो प्यार है, वो फॉरगिवनेस है। और उसी प्रोसेस के थ्रू आज हम इतने वर्षों के बाद, कई सौ कई हजार वर्षों के बाद इस जगह पे हैं, जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हम कैसे कह सकते हैं कि इस देश में जो है इस देश को वायलेंस ने बर्बाद कर दिया। उसी अहिंसक सतत प्रक्रिया से हम जो है इस जगह पे पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि एक वर्तमान परिस्थिति में हावी होने की जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर में बदलाव आया है, उसको एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे आसपास और भी लोग हैं। और जब ये प्रवृत्ति आ जाता है तो फिर हमको लगता है कि वो वायलेंस का ख्याल आता है और वायलेंस को जस्टिफाई करने लगते हैं कि भाई मेरे ऊपर जो है हिंसा हो रहा है, तो हम वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम ये भी कह सकते हैं कि मेरे में टॉलरेंस कम हुआ है। हम वायलेंस को जब जस्टिफाई कर रहे हैं तो हम शायद ये भी सोच सकते हैं कि मेरे में प्रेम और क्षमा कम हुआ है।
तो वो जो देश की बर्बादी है वो वायलेंस की वजह से या हिंसा की वजह से नहीं हुआ है, हमने उन मूल्यों को छोड़ दिया, शायद इसकी वजह से भी हो रहा है। तो मैं इस तरीके से देखता हूं कि एक तो जो मौला साहब ने कहा कि भाई एक टिर्नी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे हम हर पावर को हर फैसले को सेंट्रलाइज कर लेना चाहते हैं, अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो एक स्पेसिफिक एरिया है, हम उसमें सीमित कर लेना चाहते हैं। तो इस स्थिति में फिर हम अहिंसा को जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर आप कह सकते हैं कि अहिंसा ने इस देश को बर्बाद कर दिया, क्योंकि देश का मतलब फिर हम कुछ ही लोग समझ रहे हैं। जब आप देश का मतलब इस देश में रहने वाले हर चीज को, इस देश से बिलोंग करने वाले हर चीज को मानेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि अहिंसा ने इस देश को बर्बाद कर दिया, वो लागू नहीं होता है। क्योंकि जब हम हिंसा को बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर हम हमारा जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो बहुत स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हमारे साथियों के आसपास से आता है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाना, जाए हिंदू एग्जिस्ट करेंगे। इस देश में कितने परसेंट हिंदू हैं? उसके अलावा जो लोग हैं, अगर हम उनका नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या करोगे ऐसे वायलेंस का? लेकिन अहिंसा में शायद हम सबको कंक्लूड कर पाते हैं, सबको इंक्लूड कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत नैरो स्पेस से आता है जब हम ये कहते हैं कि अहिंसा जो इस देश को बर्बाद कर रहा है या हिंसा से इस देश का कल्याण हो सकता है। मुझे लगता है कि हिंसा से कभी इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। और भगत सिंह ने, जैसा हमारे साथी ने कहा, भगत सिंह मानते थे कि भाई हिंसा से वो खुद भी अपने आप को बहुत दुखी होते हुए थे। जब उन्होंने, उनके हाथ हिंसा हुआ तो वो बहुत दुखी थे। उन्होंने कभी हिंसा को जो है बहुत बड़ा ग्लोरीफाई नहीं किया। तो हम तो भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, तो भगत सिंह को मान लो। चलो गांधी को एक विचार आइडियोलॉजी का टकराव होता है, हम बोलते हैं हम गांधी को नहीं मानते, हम भगत सिंह को मानते हैं। तो भगत सिंह को मानने का मतलब हिंसा नहीं है, भगत सिंह को मानने का मतलब दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं है। भगत सिंह का जब इनर वॉइस को आप सुनेंगे, उनके हृदय की बात को आप जब सुनेंगे, उनके रास्ते पे चलने की बात करें, वो खुद अहिंसा की बात करते हैं। जी, भगत सिंह जी और अहिंसा, हिंसा, ये काफी एक बहुत आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड मसला है। आपने आज ये बातें करके मुझे आइडिया दिया कि एक दिन हमको अपने कुछ ऐसे साथियों को बुलाना चाहिए जो भगत सिंह की जीवन को, उनके विचारों को और उनकी विडंबनाओं को बारीकी से जानते हों। तो आई थिंक ऐसा हम एक सेशन करेंगे कभी। मोहन जी, बिरेन, आप दोनों में से कौन अब अपनी बात रखे? मोहन जी, जी जरूर। तो जैसे मेरे दोनों साथियों ने बताया, तो मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई भी लोकतंत्र हो, वो न्याय और कानून से ही चल पाया है। जब जब वहां हथियार उठे हैं तब तब वहां लोकतंत्र का नाश हुआ है, ये हमें दुनिया का इतिहास बताता है। और आज भी अगर हम देखें, और जिस राह पे आज हम चल पड़े हैं वो बहुत शायद पता नहीं उसका क्या नतीजा क्या होगा। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि अभी जो बात हुई कि अहिंसा ने देश को बर्बाद किया है, तो हम जैसे अभी बुद्ध की बात हुई और महावीर की बात करें, इस्लाम की बात हुई, राम की बात करें, तो कभी भी इन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया किसी भी धर्म ने। मेरे से एक मेरे मित्र बात कर रहे थे और वो राम पर बात कर रहे थे और कह रहे थे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक मेरे मित्र हैं। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा राम ने बताओ किस देश पर कब्जा किया, किस जगह पर कब्जा किया, कौन सी जगह अपना कब्जा स्थापित किया है। और मैंने कहा वो तो बार बार कहते हैं कि सीता को वापस कर दो और हम युद्ध नहीं चाहते, तीन तीन बार शांति प्रस्ताव भेजते हैं। तो ये आप पता नहीं, मैंने कहा उनसे, आप पता नहीं कौन से राम की बात करते हैं, मैं तो उस राम को ही नहीं जानता। और मैं ये अलग अलग कॉन्टेस्ट में रामायण के ही उदाहरणों से उन साथियों को बताता हूँ, बड़े प्यार से मोहब्बत से बताता हूँ कि यार पता नहीं आप अभी मैं अगर देखता हूँ लोकतंत्र के समक्ष आज के दौर में अगर मैं चुनौती के रूप में देखता हूँ, तो मैं संप्रदायवाद को एकदम, और जो एक रंग में रंगने की जो एक वो चल रहा है, प्रोपेगेंडा ही कह सकते हैं उसको, वो बहुत अलग ही है। मतलब अभी मैं दो दिन पहले ही मेरे साथियों से ही शेयर कर रहा था, मेरा खुद का ही एक वाक्या। मैं कुछ दिन पहले ग्वालियर जा रहा था और ग्वालियर में जीटी एक्सप्रेस से जा रहा था, और मैं उसमें बैठा था तो एक दाढ़ी वाले एक साथी बैठे थे पास में ही, तो वो
शक्ल से पहचान में आ रहे थे, जो एक मुस्लिम वेशभूषा होती है वो उनका पहनावा और वो रहन सहन था। तो दो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान चले उसी ट्रेन में और ललितपुर से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी ट्रेन में किसी से कुछ नहीं पूछा, उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मथुरा जा रहा हूँ, क्या नाम है आपका, बोले मेरा नाम चांद कुरैशी है, बोले टिकट बताओ, तो उन्होंने अपना टिकट बताया, तो बोले तीन लोग हैं इसमें दो और कौन है, बोले वो सामने बैठे, बोले आपका क्या नाम है, तो बोले मेरा नाम रोहित कुरैशी है, तो बोले ये तो मुस्लिमों में नाम नहीं होते, ये कौन बोल रहे हैं, पुलिस वाले वो जवान बोल रहे हैं जो संविधान की वर्दी अपने आप में धारण किए हुए, और उनको उठाया और उनसे अलग ले जाके बातचीत की। उसके बाद दोस्त मुस्लिम शख्स की आंखों में मैंने देखा, उनकी आंखों में आंसू जलजला गए थे और मुझे बड़ी तकलीफ हुई, तो मैंने वो पुलिस वालों के सामने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि मैंने भाई साहब मैं आपसे माफी चाहता हूँ और उस कौम की तरफ से माफी चाहता हूँ जिस कौम के लोगों ने अभी आपको सबकी निगाहों से देखा, वो संवैधानिक लोग तो नहीं हो सकते, वो किसी कौम की मानसिकता को ध्यान में रख के आपको सबकी निगाहों से देख रहे थे, और मैं भी उसी कौम से आता हूँ, उसी धर्म से आता हूँ, लेकिन मेरा धर्म मुझे कभी यह बात नहीं सिखाता। और मैंने उनसे फिर काफी लंबी हमारी चर्चा हुई। उसके बाद जब मैं ग्वालियर में उतरा तो उतर के फिर उन्होंने मैंने गले लगाया मुझे और बड़ा आत्मीयता से गले लगाया। उसके बाद में हमारी ग्वालियर में मेरा हाईकोर्ट में काम था, तो एक ऐसे ही चैम्बर में बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी हमारी, कुछ कुछ वकील अधिवक्ता साथ ही बैठे थे, और वो जो तर्क संगत बात जिन्हें करना चाहिए वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो इनके तो खून में, मतलब इस तरह की अगर बातें चल रही हैं, तो मैंने उनसे कहा कि हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने मोहन दीक्षित ने क्या किया, क्या मोहन दीक्षित ने कभी किसी मुस्लिम भाई से कभी प्यार की निगाहों से देखा है क्या, अगर देखा होगा तो जरूर मुझे प्यार दे, ये मैं उस वाक्य के बाद ये मैं कह पाया। और मैंने कहा मैं अगर उसकी सबकी निगाहों से देखूंगा तो मुझे फिर शायद नफरत का सामना करना पड़े। तो मैंने कहा, मैंने कहा दिल पे हाथ रख के अगर हम कहें हम आठ लोग बैठे थे कि हमने किसने हमने एक मोहब्बत की निगाह से देखा है, एक मोहब्बत के रिश्ते के रूप में किसी भाई से हमने अपने संबंध बनाए, तो कोई वास्तव में कोई नहीं कह पाया। तो तब मुझे लगता है कि ये मतलब किस तरह से हम संप्रदाय की बात की ओर बढ़े हैं, बहुत पहले से बढ़े हैं, ना केवल आज से। मैं तो मतलब खुद को भी बार बार देखता हूँ, और अब तो मैं अपने आप को एक नजर हमेशा खुद पर रखकर देखता हूँ कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ, मेरी सोच किस तरह से। तो मैं इसको संप्रदाय बात को एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में अभी फिलहाल में मैं देख रहा हूँ, पता नहीं इसका क्या नतीजा होगा, ये मुझे भी नहीं। जी, ये तो आपने जो विचार और जो परेशानी व्यक्त की वो मुझे लगता है इस समय की सबसे व्यापक महसूस होने वाली और परेशानी है, और इस पे मतलब मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ सभी के बीच में ये चर्चा कहें या ये एक किस्म सा आत्मचिंतन चल रहा है कि इससे हम कैसे जूझें, इसमें हमारी क्या भूमिका है एक साधारण व्यक्ति के, एक साधारण सिटीजन नागरिक के रूप में भी, और एक व्यापक मतलब जो अपने आप को किसी भी तरह से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में मानते हैं उनके लिए तो और भी बड़ी चुनौती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जैसे आपने एक विशेष व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति में, हम बहुत कुछ कर लेते हैं एक्चुअली जब हम किसी एक मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन में होते हैं खुद, तो हमें मौका मिलता है कुछ एक्शन लेने का। मैंने अपने आप में ये देखा है आजकल कई बार के अगर मैं ऐसी किसी सिचुएशन में हूं तो मेरे जैसे ना मैं एकदम चौकन्नी हो जाती हूँ कि अभी कुछ होने वाला है क्या, और मैं उसमें अपना हस्तक्षेप जरूर करूं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको उसके मतलब विरोध में या उसको रोकने के लिए। लेकिन जो व्यापक सामाजिक चैलेंज है उसमें हमारी क्या भूमिका है और उसको हम कैसे सक्षम रूप से अहिंसा के ना केवल विचार बट उसके मतलब अहिंसक बिहेवियर तौर तरीके से हम कैसे सामने आए, वो बड़ी मुझे लगता है इस समय की चुनौती। आप सबने एक किस्म से उसपे हिंट किया है
तो उसमें बिरेन आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये जो व्यापक, क्योंकि एक समय, इस समय एक बड़ी अजीब विडंबना है कि वो व्यापक को अगर हम बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट में देखेंगे तो हम बेहाल हो जाते हैं, वो इतनी अनमैनेजेबल लगती है और उसमें हम खुद को इतना इनसिग्निफिकेंट फील करते हैं, हम इतने एक, कभी कभी होता है कि आप खुद को इतना मामूली मानने लगते हैं कि आपको लगता है अरे मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन आप तो बहुत सक्षम ऑर्गेनाइजर हैं और आपने कई परिस्थितियों में लोगों को इकट्ठा करके एक 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 ऊर्जा बनाई है, तो आपको आगे क्या रोशनी दिख रही है, क्या क्या रास्ते दिख रहे हैं जिन पे हम मतलब अपने इस प्रयास को रख सकते हैं? जी, पहले तो मोहन की बातों के बाद कुछ बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा हस्तक्षेप करना, उसके लिए करेज चाहिए, एंड दैट करेज इज नॉट फिजिकल करेज, इट्स सो मच ऑफ इनर करेज, जो सिर्फ कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लव, तो इट मूव्स. सो थैंक यू मोहन, आपने शेयर किया ये वाकया. मैं मानता हूँ रजनी जी कि यस, ये जो चुनौती है वो कभी कभी इतनी हिमालयन लगती है, इतनी पहाड़ जैसी लगती है कि हमें कभी कभी लगता है कि हम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है और हमारा एक पर्सनल एक्शन या इंटरवेंशन व्हाट विल इट अचीव एट द एंड ऑफ द डे, या वी विल डू ऑल दैट बट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, ऐसा हमें लगता है और वो स्वाभाविक है लगना. मैं इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म इस बात से लेता हूँ. आई एम रिमाइंडेड ऑफ वॉट सेंट फ्रांसिस द असीसी सेड, एंड ही सेड समथिंग ब्यूटिफुल, एंड मैं उसको एक गांठ बांधकर उसको रखता हूँ मेरे साथ. स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट इज पॉसिबल, एंड यू विल रियलाइज that you are doing the impossible. And it is in the context of hamare personal daire mein, it is in the context of large societal, national, international things as well. Mere ne is baat ko hindi mein bhi kahi hai, ye Saint Francis of Assisi wali baat ko hindi mein bhi rakhiye please, ki pehle aapko wo karna hai jo ekdam zaruri hai, वो तो अनिवार्य है, आपको उसको करना है जो जरूरी है, उसके बाद आप करिए जो संभव है आपसे, और जब आप वो संभव करना शुरू कर देते हैं तो आप देखोगे कि आप असंभव चीजें करना शुरू कर देते हो, आप असाधारण चीजें करना शुरू कर देते हो, और दुनिया में हमेशा जो भी असाधारण काम हुए हैं वो साधारण लोगों ने किए हैं, और वो एक कदम, दैट सिंगल स्टेप, दैट लीप ऑफ फेथ. I remember you giving us a lecture on what happened at St. Peter Maritzburg and what shifted in that person's mind. Uske zehen mein jab train se utara gaya tha to Gandhi ji ke zehen mein kya hua hoga us raat ko, and what steps he took, that simple small steps, and how it changes things. To mujhe lagta hai ki hum sab aap ye program jitne bhi log देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आगे भी इसको देखेंगे सुनेंगे, हम सब, अगर ये मोहन ने जो अभी बताया, हम सब अपने दायरे में जो हम कर सकते हैं, एंड वी डोंट नो व्हाट इज द इफेक्ट. इलाबेन भट्ट बहुत अच्छा बोलती है, वो कहती है कि शी स्ट्रेसेस ऑन द वर्ड अनुबंध, दिस अनुबंध इज सो इंपॉर्टेंट, द कनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड. यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप कुछ हम करेंगे तो कहां पर इजिप्ट में कुछ रेवोल्यूशन हो जाए, यू नो, इट वेयर थिंग्स गेट कनेक्टेड वी डोंट नो, लेट्स डू दैट, लेट्स जस्ट डू व्हाटएवर इज पॉसिबल बाय अस. मुझे लगता है व्यापक सिस्टमिक चेंजेस आर पॉसिबल, इट हैज ऑलवेज हैपेंड, इफ यू लुक एट अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, दिस हैज ऑलवेज बीन द केस, हिस्ट्री इज प्रूफ ऑफ दिस, इट ओनली रिक्वायर्स अस टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ.
एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू रजनी जी. और मुझे मुझे बिल्कुल अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता हूँ. इस पहाड़, इस समस्या का पहाड़ समाज में, मेरे परिवार में, मेरे नेटवर्क्स में जो विषमताएं है, जो टॉक्सिसिटी है, जो नफरतें है, जो अलगाव है मेरे में जो है, वो सब देख के मुझे कभी हताश में नहीं फील करता. मुझे लगता है आई शुड डू व्हाट आई कैन, रेस्ट, डोंट वरी, लेट थिंग्स विल हैपन. तो इट मे साउंड एब्स्ट्रैक्ट, इट मे साउंड यूटोपियन, बट रियली हिस्ट्री हैज प्रूव्ड दैट दैट इज द केस. सो आई थिंक वी मस्ट ट्रस्ट हिस्ट्री. या बहुत खूब. अब हमारे कई दर्शक जो हैं वो लाइव देख रहे हैं, उनमें से कईयों ने कुछ अपने कमेंट्स रखे हैं. आप सभी की बातों की शेयरिंग पे उन्होंने बड़ा उसको सराहा है. तो मैं उनमें से एक जो है श्री प्रकाश माया संद्रा, ये कनेक्टिकट से ज्वाइन कर रहे हैं, ये अमेरिका में बैठे हैं. वो कह रहे हैं, मोहन जी थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स of religious understanding into the discussions and the contradictions of interpretation. And thank you for your great example of discrimination you witnessed on the train. Mohan ji, thank you. Unki taraf se wapis. Aur ye jo abhi Biren ne kaha, agar isko hum aage build kare, to ispe aap, Mohan ji, Rajesh, MK sahab, aap kuch isme add karna chahenge. थोड़ा अगर अब हम अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम विशेष आगे के कार्यों की जरूरी बात करें, लेकिन अगर कोई आपके आगे के कार्य के आइडियाज हैं जो आप शेयर करने लायक हैं अभी, क्योंकि कई बात होता है कि हम किसी चीज पे विचार कर रहे होते हैं अभी, वो ऐसे पब्लिक में शेयर करने लायक नहीं होता, लेकिन अगर कुछ है कि आप किस किस किस्म के कार्य एक्शन का सोच रहे हैं तो थोड़ा वो भी बताइए. बट बिरेन ने जो बात कही उसको आगे लेते हुए आप क्या सोचते हैं? एनीवन, जी राजेश बोलिए ना. मुझे दो बातें कहनी है. एक तो कि जो वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह हम लोग हिंसा या अहिंसा को देखते हैं, मुझे लगता है कि हिंसा का जो फॉर्म है ना उसको भी रिडिफाइन करने की जरूरत है, उसको अलग कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत है वर्तमान परिस्थिति में, खासकर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं. मुझे लगता है कि इस देश में जो अशिक्षा है, इस देश में जो भूखमरी है, इस देश में जो महिलाओं की स्थिति है, इस देश में अभी भी जो सोशल इनजस्टिस और सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे लगता है ये सब वायलेंस है. क्या हम इसको जस्टिफाई करते हैं? क्या केवल फिजिकल वायलेंस को हम ठीक करने की बात करें तो शायद उस अहिंसा शब्द के साथ इनजस्टिस है. तो हिंसा का कंटेक्स्ट बदलना पड़ेगा और उसको लोगों के सामने लाना पड़ेगा. हमें उसकी बात खुद करनी पड़ेगी, खुद उसको जीना पड़ेगा कि भाई अगर इस देश के किसी दूर गांव में लोग जो हैं आज भी एक मेडिकल सुविधा के अभाव में मर जा रहे हैं, इस सिस्टम का, इस सोसाइटी के द्वारा उस व्यक्ति पर, उस समाज पर हिंसा है. अगर आज भी हम बिहार के गांव में बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे, झारखंड के गांव में जो है बच्चे ने कभी स्कूल नहीं देखा है या स्कूल तक वो नहीं पहुंचा है, ये हिंसा है. आज भी अगर कोई व्यक्ति इसलिए सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है और वो अपने अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, इसलिए वो मर रहा है, हिंसा है. तो इन चीजों को जब हम ठीक करने की बात करेंगे तो अहिंसा के उस प्रोसेस से गुजरेंगे. और ये हिंसा के किसी भी प्रक्रिया से ठीक नहीं हो सकता. हिंसा के किसी भी प्रक्रिया से जो हम बच्चों को शिक्षित नहीं बना सकते, महिलाओं को इंपावर नहीं कर सकते, लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, तो ये सब हिंसा तो हो रहा है समाज में, शायद इसकी हम बात ही नहीं कभी करते. एक तो मुझे लगता है कि इस हिंसा की बात भी करनी पड़ेगी समाज को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को या जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था है, कि उनके द्वारा और इस समाज के द्वारा कितना हिंसा हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम, छोड़ दो हिंसा को, जो हम हिंसा कर रहे हैं क्या वो कितना जस्टिफाई करने वाली बात है अगर अलग अलग फॉर्म में जो हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. दूसरा कि मैं पीरन की बात से बहुत सहमत हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, दुनिया आप क्या करेंगे, बीरेन क्या करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे,
उनको इसका फ्रीडम है, लेकिन मैं कितना इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ, इसके लिए कितना हाथ पैर मार सकता हूँ। तो अभी दो इनिशिएटिव मेरे हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा रखना चाहूंगा। एक तो मैंने जो गांव की बात की, मुझे क्या लगता है कि जो हमारे देश में जो सिस्टम है, तो लोगों को इम्पावर करना बहुत जरूरी है। जब लोग अपने राइट की बात करेंगे, जब लोग अपनी जरूरत की चीजों की बात करेंगे, जो सरकार की खासकर पॉलिसीज है अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उसकी बात करेंगे, तो पूरा नैरेटिव चेंज हो सकता है। तो अभी बिहार में मैं जो पंचायती राज है उसमें जो मुखिया है उसको कैसे इम्पावर किया जाए, ताकि लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं हम सब, वो कैसे पूरा हो, क्योंकि उसका नहीं मिलना भी मैं मानता हूँ हिंसा है। तो उन मुखियाओं को इम्पावर करके जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे मजबूत किया जाए, लोगों को अधिकतम लाभ गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, या फिर जो हमारा लीडरशिप है नीचे लेवल पे उसकी सोच में, उसके काम करने के तरीकों में कैसे हम नॉन वायलेंस को, हम डिस्कशन को, डायलॉग को हम कैसे इंक्लूड कर पाए। तो अभी एक मेरा वो काम, दूसरा कि मेरा एक अभी 4-5 महीने से मैं सोच रहा था दिसों में होते हुए, और अभी मैं जैसे रांची में हूं तो अब मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है कि गांधी के जो विचार हैं मैंने उसको जिया है, मैं गांधी के कुछ विचारों को जीता हूं, मैं गांधियन नहीं हूं, लेकिन उनके कुछ वैल्यूज को मैंने जब अपनाया पिछले 1.5 सालों में, खास करके इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की, तो मेरा लगता है मेरा लाइफ में बदलाव हुए, लोग करीब आए हैं, लोगों से हमारा प्रेम बढ़ा है, मुझे डर नहीं लगता किसी से बात करते हुए, क्योंकि मेरे मन में कोई छल कपट नहीं है, मेरे मन में उनके लिए दुर्भाव नहीं है, जिसकी बात गांधी जी कहते हैं कि बैर भाव नहीं है, तो मेरे अंदर कोई डर नहीं है। और गांधी भी कहते हैं कि जो हिंसा को प्रैक्टिस करता है वो सबसे वीर आदमी है, वो सबसे निडर है, सबसे ताकतवर आदमी है, गांधी इसकी बात करते। तो गांधी आश्रम से और पूरा जो जर्नी हुआ उसमें मुझे लगा कि भाई जब मैं ये महसूस करता हूं तो क्यों ना इन वैल्यूज को जो है यूथ के बीच में ले जाया जाए। और मुझे लगता है कि इस देश में एक प्रोसेस चल रहा है कि भाई जो चाहते हैं कि देश में हिंसा हिंसा बढ़े, हिंसा की परिभाषा को बढ़ाने की, हिंसा के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, तो एक ब्लॉकेज आ गया है, हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं, उस दरवाजे में दरवाजे के अंदर हिंसा को आने ही नहीं देना चाहते, हम दरवाजे ही नहीं खोलना चाहते। मानना तो एक अगला प्रोसेस है, किसी चीज को जानना पहला प्रक्रिया का पहला हिस्सा जानना है, देन उसको मानना। तो मैं गांधी के वैल्यूज और उन्होंने जीवन जिया है, मैंने जो महसूस किया है, उसके बाद अभी रांची के कॉलेजों में मैं 3-4 दिनों का गांधी और उनके जो समकालीन लोग हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो टैगोर हो, और उनके साथ जो उनका रिलेशन है, हमें दूर से दिखता है कि उनमें मतभेद थे, लेकिन वो विचारों के मतभेद थे, कार्य करने के तरीकों में मतभेद थे। गांधी ने जो हम कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने दलितों को उद्धार के लिए बहुत किया, बाबा साहब ने केवल दलितों को उद्धार के लिए नहीं किया इस देश में, वो केवल दलितों के नेता नहीं थे, उन्होंने महिलाओं के लिए किया, मजदूरों के लिए, इस देश के हर जनमानस के लिए किया, तब जाके संविधान में उनकी अपनी जो भूमिका रही उन्होंने उसको किया। तो अभी बाबा साहब, गांधी और उनके जो समकालीन लोग हैं उनको लेकर के मैं 3-4 दिनों का एक प्रोग्राम हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हमारा पहला प्रयास है कि कॉलेज स्तर पर शुरू किया जाए, यूथ के बीच में ले जाया जाए, जिसमें गांधी के वैल्यूज का और उस समय के जो दूसरे लोग उनके वैल्यूज की बात किया जाए, उनके विचार में कि उनके विचारों में कितना हिंसा था, कितना प्रेम था, उन एक दूसरे का जो रिस्पेक्ट कितना था उसको हम ले जाएं, जिसके लिए हमने शायद दरवाजे बंद कर दिए हैं, वो रिस्पेक्ट समाज में लाने का, वो यूथ में या बाकी चीजों में लाने की जरूरत है, कि वो मिनिमम वो रिस्पेक्ट हमारे बातचीत में, हमारे डायलॉग में और हमारे काम में बना रहे। तो उस प्रोसेस में कुछ लोग साथ आए हैं, काफी लोगों ने सहयोग की बात कही है, कुछ लोग ऑनरशिप भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन वैल्यूज को यूथ के बीच में, जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं अपने आसपास के लोगों के साथ, वो मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है इससे एक बड़ा मैं कुछ स्टेबल कर पाऊंगा, वो छोटा ही सही लेकिन मेरे वो एक बड़ा अचीवमेंट होगा अगर मैं कुछ लोगों के बीच में भी शायद इस सोच को ले जा पाता हूँ कि एक बार हमें सोचने की जरूरत है कि हिंसा और अहिंसा की बात करते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं। जी, इसकी बात भी करना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। इन प्रश्नों को, इन विचारों को बार बार
खासकर युवाओं के सामने पर पूरे जनमानस के सामने लाते रहना वो ही वो नेसेसरी भी है और पॉसिबल भी है जैसे वीरेंद्र ने कहा। एक हमारी दर्शक है रुक्मिणी, वो कह रही है कि आप सभी हिंसा और राजनीति इलेक्ट्रल प्रोसेस जो है जो मतलब चुनावों की जो राजनीति है उसको और हिंसा को आप लोग कैसे देख रहे हैं और उससे जूझने के कोई अगर विचार हो कोई आपके। अच्छा देखिए इसमें हम अपने डिलेमास को भी रख सकते हैं कि जिन चीजों में हमें शंका है या हम अनसर्टन हैं, क्योंकि इस चर्चा का मतलब है अपने विचारों और अपने डाउट्स को भी सामने रखने का, क्योंकि हम यहाँ ये तो मान के कभी आए नहीं है कि हमारे पास सारे आंसर्स हैं और वो हम लोगों से बस बताने आए हैं। सो प्लीज अपनी फ्रेंकली शेयर करिए कि ये जो राजनीतिक मतलब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है चुनावों की जो राजनीति है उसमें हम कैसे इन भावनाओं को लेके जाएं। मोहन जी या एमके साहब कौन पहले जाएगा जो भी yeah. मोहन जी चलिए आप और फिर बाद में एमके साहब। तो मैं इसमें ये मानता हूँ कि चुनाव जो है मतलब ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, अभी कुछ दिन से ही मैं सोच रहा हूँ और मैं ये हमारे यहाँ भी नगर निगम नगर पालिका पंचायत राज के चुनाव हुए हैं और मैंने भोपाल में देखा कि 47% वोटिंग हुई तो 100 में से 47 ने वोट डाला, उसमें 50% मतलब लगभग 20-22% जिसको वोट मिला वो 100% लोगों के लिए निर्णय लेगा। तो मैं सोच रहा था कि चुनाव शायद विकल्पहीनता की पैदाइश है, ये मतलब मैं सोच रहा था और मतलब मैं सोच रहा था ये है क्या कि मतलब वो 20 लोग जो है 20 लोगों ने जिसको चुना है वो 100% लोगों के ऊपर थोप रहा है किसी चीज को, तो इसका क्या सॉल्यूशन है ये मुझे पता नहीं, मतलब मैं बार बार इसको इस पर एक प्रश्न खड़ा कर रहा था कि ये क्या होगा इसका क्या होगा। तो इस तरह से मतलब मैं उसको चुनाव को अभी भी मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये लोकतंत्र में ये किस तरह से या कैसे होगा, मतलब इसमें बहुत उलझा हुआ हूँ। पिछले 3-4 दिन से जब मैं इसको बहुत सोच रहा था तो मैं इस पर लिख भी रहा था कुछ कि भारत मतलब मैं फिर एक मैंने एक टॉपिक ही लिया है कि विकल्पहीनता की पैदाइश क्या क्या है, तो उसमें कुछ अलग अलग चीजें भी मिल रही हैं। लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा कि चुनाव और हिंसा, तो अभी मैं जैसे गांव में गया और मैंने इसको देखा तो एक मुझे एक सकारात्मक चीज दिखी कि मैं गांव में बहुत सारे लोग बैठे थे एक मंदिर पे और मैंने उनसे कहा लोगों से ही कहा कि मैंने कहा एक हाथ में ये शराब का क्वार्टर है और एक हाथ में शिक्षा है, तो आप मैंने कहा यहाँ बैठ के ये बता दो कि घर को कौन सी चीज बर्बाद करती है, तो लोगों की आवाज आई कि दारू बर्बाद करती है, तो मैंने कहा फिर इस पे ही वोट क्यों जाते हैं। तो लोग जो है मेरा मानना है लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आए चुनाव में, अच्छे लोग चुने जाएं, लेकिन अच्छे लोग मतलब वो उनमें से ही देखते हैं कि चोरों में कम चोर कौन है, है ना। लेकिन जब जाते हैं समाज में अगर अच्छे लोग आते हैं तो लोग उनका सपोर्ट करते हैं, बस सबसे क्या है जैसे मैं अभी देख रहा हूं मेरा ऐसा भी मानना है कि चाहे हिंसा हो चाहे अन्याय अत्याचार जो चीजें हैं वो जो है लोगों की आवाज को छीना गया है या दबाया गया है, लोगों की जहां लोगों की आवाज है वहां ये सारी चीजें मतलब बहुत एक अलग रूप में आपको देखने को मतलब मिलेंगी, जहां मतलब मैं अपने हिसाब से जहां तक देख पाया हूं। तो हमें लोगों को सुनने की जरूरत है, उनके पास उनकी समस्याओं का समाधान है, हमें उनको केवल एक आवाज देना है, उन आवाज का माध्यम बनना है और जहां उनकी आवाज बुलंद हुई, हमारे एक पूरे कल्चर में एक ऐसा सिस्टम है ना बचपन से ही पैदा ऐसे ही सवाल पूछते हैं ना तो वहां डांट दिया जाता है चुप ये क्यों पूछते हैं, तो वो सवाल पूछने की आदत जो है ना वहीं से खत्म कर दी जाती है। तो जब लोग सवाल पूछेंगे उनकी आवाज को जो भी पीड़ित है जो भी शोषित है जब जब उनकी आवाज को मजबूत करने का काम किया जाएगा तो लोकतंत्र वहां हमेशा सशक्त रहेगा। कुछ पंचायतों में इसका मैंने प्रयोग किया है, RTI लगा के लोगों को इकट्ठा करके ये काम किया है, वहां लोग सवाल पूछने लगे जरा जरा चीजों पर सवाल पूछने लगे तो वहां पे एक बहुत एक अलग स्थिति देखने को मिलती है। और अभी एक राजगढ़ में एक पंचायत है वहां एक हमारा एक इस तरह का काम चल रहा है, तो मतलब जहां जहां काम कर रहे हैं इस तरह के वहां चीजें बदलेंगी, हो सकता है धीमे बदले लेकिन हम चिंगारी एक लगा सकते हैं
तो वहां बदलाव दिखेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। एमके साहब। हाँ रजनी जी, मेरा मतलब एक और एक कंटेक्स्ट में इसको मैं ले जाऊंगा। बहुत सारे टाइम में कैसा, अभी हम एक्चुअली क्या हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं खुद को, उन लोगों ने इतना बांट लिया, मतलब उसको इतना लो, इतना डिवाइड हो गए हम कम्युनिस्ट पक्ष में। बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग है, इसमें सोशलिस्ट बोलते उसमें भी बहुत सारे सोशलिस्ट है, बहुत सारे अम्बेडकरिस्ट बोलते उसमें भी इतना सारे अम्बेडकरिस्ट है, मतलब किनको मानना चाहिए? मुझे लग रहा है ऐसा डायलामा लेकर हम खुद को हम डिवाइड कर रहे हैं। उसके वजह से फैसिस्ट क्या अनडेमोक्रेटिक बोलते हैं उन लोगों ने इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि हमको डिवाइड करना बहुत ईजी है। एक ही एग्जांपल, मैं एक लाल पहना उसके वजह से एक नीला लोगों को बर्बादी हो गया, नीला पहना मुझे लाल बर्बाद हो गया, और कुछ क्या ऑरेंज कलर वो उसको बर्बाद, उसका वजह से इतना डिवाइड हो गया बैठ भी नहीं सकते। ये एक चीज है, ये थिंग ये है ना, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंपैक्ट पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज का सिचुएशन में हम इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स को कितना मजबूत कर सकते हैं, उसको कैसे कितना हो सकते उतना हम आम आदमी के साथ, मतलब हम लोगों के साथ ले जा सकते हैं, वही हमका एक आंसर है। एक नेता के साथ बातचीत कर रहा था कुछ हमारा डिजम जर्नी में, उधर एक बात आया क्या, आज हम मिनिमम वैल्यूज में मैक्सिमम लोग जब तक हम नहीं जुड़ पाते, जब तक आज का सिचुएशन का उत्तर हम नहीं, उत्तर और आंसर नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है कि हम मिनिमम कॉज, मिनिमम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कॉज ये है कि इस संविधान क्या हम बोलते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसका वैल्यूज क्या है, उसका वैल्यूज को हम हर व्यक्ति ने, मतलब हर क्या प्रोग्रेसिव बोलते हैं पूरा, वो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और सेंटर हो, राइटिस्ट में भी बहुत सारे लोग संविधान को मान्य लोग है, उन लोगों ने जब तक नहीं जुड़ पाते, आई थिंक जब तक ये नहीं कम होगा, उसके लिए लगता है कि हम मैं एक अपील भी करूंगा इससे, कितना हो सकते उतना युवा नेता ने, युवा यूथ्स ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ये पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कैसा पॉलिटिक्स? एक नया पॉलिटिक्स में, एक इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स। एक एग्जाम्पल, मेरा एक डिस्ट्रिक्ट लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो किनको टिकट मिलेगा, एक मेजॉरिटी, मतलब एक क्या अपर कास्ट हो कुछ ऐसा लोगों को टिकट मिलेगा, क्योंकि वो नाम का वजह से उसको टिकट वोट नहीं मिलेगा। ये कॉन्वर्सेशन, ये डायलॉग है, ये डायलामा बन रहा है, उसको तोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि डायलामा कब तोड़ेगा, जब हम लोगों के बीच में जाएगा, जब लोगों का आवाज को हम हमारा मजहब और हमारा जाति धर्म से निकलकर हम कॉज को लेकर फाइट करते ना, आई थिंक जब हम उसका करीब हो जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स का हिंसा क्या आज चल रहा है उसको कम करने के मौका मिल सकते हैं। उसके साथ मेरा और एक विचार था, हमारा माइंड को हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। यह माइंड है ना, ये कल्टीवेशन करने के लिए बहुत, मतलब एक एग्रीकल्चर हम क्या भूखते है ना लैंड में, वही मुझे हिंदी उत्तर ठीक नहीं, मैं कोशिश करो, वही बाहर आएगा भूमि, मतलब लैंड में हम क्या डालते हैं बीज, वही बीज बाहर आएगा। आई थिंक हमारा माइंड में हम क्या डाल रहे हैं, आज हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम क्या डाल रहे हैं, फेक न्यूज डाल रहे हैं, फेक हिस्ट्री डाल रहे हैं, वही लोग वही यूज वही ले रहे, उसका वजह से आज हमारा डेमोक्रेसी में टकराव आ रहा है। मुझे लगता है कि हम उसका अपोजिट सही चीजों को डालने के लिए हम आगे आना चाहिए, वो काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि वो हमारा डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। एक चीज है, मैं मेरा पर्सनल मैं मानता हूं, मेरा पर्सनल मानना है कि जब तक एक पॉलिसी लेवल में काम नहीं हो पाएगा, मतलब एक फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट था जब एक सशस्त्र क्या वो सकता था, मैं उसको 100% नहीं बोलता लेकिन हो सकता था, लेकिन आज हम एक कॉन्स्टिट्यूशन एक डेरे में एक पॉट में है। मुझे लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन हमको एक हथियार दिया, क्या हथियार दिया, एक वोट का हथियार दिया, वो वोट को हम कैसा एक सही प्लेस में
पुट कर सकते हैं। उसके लिए हम एजुकेट करना, एक मतलब मतदान को क्या बोलते हैं, वोटिंग लिटरेसी को बढ़ाना, ये काम करना चाहिए। हमारा ये जिम्मेदारी भी है, वो जिम्मेदारी हम सही तरीके से किया तो इसमें क्या स्वार्थ भी निकाल कर हम किए तो आई थिंक हम आगे आगे वाला आगे आने वाले पीढ़ी को अच्छा काम कर सकते। मुझे और एक बात बोलना चाहिए, बोलना मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे मेरे सीनियर सिटीजन लोग कौन रहते हैं अबो 50 अबो 60, उन लोगों ने मेरे जमाने में ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। मुझे लगता है कि हर जमाने में ऐसा ही था, उन्होंने जवानी में वैसे ही किया था, हम क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम उन्होंने हमको हमारे साथ आना चाहिए, बैठना चाहिए, हमारे गुस्सा है हमको, लेकिन उसके साथ डायलॉग करना चाहिए। आई थिंक वो डायलॉग किए तो मेरे माइंड का एक कॉन्वर्जेशन होगा, वो कॉन्वर्जेशन आई थिंक सही तरीके से हम पुट कर सकते हैं, मुझे लगता है उसका वो आंसर हो सकता है। ये काम करना चाहिए। और मैं अभी रिसेंटली मेरे काम के बारे में पूछा था, मुझे लगता है कि मैं अभी आगे आने वाले इलेक्शन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा, वो कोई भी इलेक्शन हो उसमें। आई थिंक अभी रिसेंटली मैं कल ही आम आदमी पार्टी से मैं ज्वाइन हुआ, आम आदमी पार्टी कोप्पल डिस्ट्रिक्ट का कुछ बॉडी में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक मैं सोच रहा हूँ कि ओनली एक हमारा मैं भी एक नेता होने के बाद मैं मतलब नेता का उसके बाद मैं एक सोच रहा था कि ओनली हम वोट के लिए नहीं काम करना चाहिए, वोट आने दो नहीं आने दो मैटर नहीं, लेकिन लोगों का माइंड और विचारधाराओं को बदलने के लिए हम काम करना चाहिए। वो प्रोसेस में कैसे एक पॉलिटिशियन नया राजनीति क्रिएट कर सकते वो काम करने के लिए मैं सोच रहा हूँ। थैंक यू रजनी जी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब की बातें सुनकर मेरा भी उत्साह जो है वो और बढ़ गया है। सो वी आर नाउ अबाउट 9 मिनट्स फ्रॉम आवर क्लोजिंग टाइम। तो आई वॉन्ट टू जस्ट शेयर वन स्मॉल स्टोरी। आप लोगों की बात सुन के मुझे याद आ गई, एक छोटा सा किस्सा था। आई मीन आप कोई कोई कह सकता है कि ऐसा तो बड़ा रेयरली होता है, बट इट्स अ रियल स्टोरी। मेरे मित्र हैं विजय प्रताप, उनके साथ ये हुआ। यूपी की कहानी है, मुझे लगता है शायद ये काफी पुरानी बात है, मे बी 89 वाले इलेक्शन की है ये। तो वो पोल ड्यूटी पे थे, एक्चुअली ये राजमोहन गांधी के पक्ष में हमारे मित्र पोल, वो जो होता ना पोल बूथ की ड्यूटी पे कर रहे थे अपने कैंडिडेट के बिहाफ पर, और वहां लाठी और मारना छोड़ना वो सब शुरू हो गया, मतलब हमला हुआ इन लोगों पर। तो इनका जो एक साथी था वो नीचे गिर गया जमीन पर और उसके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी। तो ये साहब उसके ऊपर लेट गए कि मतलब उन्होंने उस अपने शरीर से उसको बचाने के लिए के मतलब ताकि वो लाठियां ये खुद खा ले। इससे जो लाठियां बरसा रहे थे वो इतने फ्लैबरगास्टेड हो गए, दे वर सो शॉक्ड बाय दिस एक्शन कि दे स्टॉप्ड। फिर ही सेज कुछ देर उनको मतलब पैर से उन्होंने मारा, ठुड्डे मारे, बट देन दे गेव अप। नाउ मैं जानती हूं कि देखो ऐसे किस्से में बात बिगड़ भी सकती थी, मैं नहीं कह रही हूं कि हमेशा ऐसा होगा या इस किस्म की क्या कहें सैक्रिफाइस और दूसरे का दर्द अपने ऊपर लेने की तैयारी से शायद सब दिल नहीं पिघलते, लेकिन ये भी होता है। मैं सिर्फ ये आप लोगों से और एक्चुअली हुआ ये आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप सब ने भी इतनी वो उत्साह बनाने वाली बातें कही तो उसमें उन्हें जोड़ा। तो नाउ इन क्लोजिंग मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी अपनी तरफ से कुछ अपने क्लोजिंग कमेंट्स बताइए, और आल्सो कि इस प्लेटफॉर्म पे हम इस इन विचारों को आगे कैसे और बारीकी से और स्पष्टता से कैसे हम सामने लाएं। कुछ अगर इस पे आपके सुझाव हैं तो आई थिंक आप मोहन जी, एमके साहब, राजेश, आप सब पहले बोलिए, देन हम बीरेन को कहेंगे कि ही विल गेट द लास्ट वर्ड। वेरी ब्रीफली, दो दो मिनट सबको मिल जाएगा, वी हैव अभी हमारे पास 6 मिनट है। राजेश जी,
आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे ये कैसे हुआ, अभी तो अच्छी भली आ रही थी। हेलो हाँ अब ठीक हो गया, गो अहेड प्लीज। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया इस मंच के लिए कि जहाँ पे हम ये कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। तो एक तो बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कभी कभी डर लगता है, मतलब हमारे आसपास जो चल रहा है उसको देख करके मेरे को डर लगता है, मतलब कि वो चाहे अलग अलग चीजें हैं वो, और जब हम मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त या फिर आसपास के लोग हैं उनके साथ जो कन्वर्जेशन होता है, और मैं इसको 20 साल बाद या 50 साल बाद अज्यूम करता हूँ कि आने वाला फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसा सोसाइटी क्रिएट होगा उस समय का क्या, तो मेरे को एक भय लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पे हम जो जी रहे हैं और उससे कितनी पॉजिटिविटी आ रही है इसकी बात हो। तो ये मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं एक कुछ अच्छा रोल प्ले कर रहा हूँ, मतलब मैं एक मैसेज नहीं दे रहा हूँ बल्कि जो मैं जी रहा हूँ और जो महसूस कर रहा हूँ उसको लोगों तक बता रहा हूँ कि लाइफ ऐसे भी हो सकता है, लाइफ में इन चीजों से भी परिवर्तन आ सकता है। और अहिंसा को या डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए भूल जाइए पूरी दुनिया और ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, हम अपने पड़ोसी के साथ और जिन लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं उनके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, सामने वाले को देख करके हमारे मन में क्या थॉट आता है, क्या भावना आती है, क्या हम उसमें प्योर हैं क्या। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो भाव में प्योरिटी हो, अगर उस भाव में प्योरिटी होगी तो फिर ये हिंसा और अहिंसा की बात करने की जरूरत ही नहीं है। और गांधी ने भी इसी की बात की है कि आप इतना धर्म पे इतना बहस कर रहे हैं, हम मस्जिद में नमाज पढ़ के आ जाएंगे, गिरजाघर में प्रार्थना करके आ जाएंगे और ये क्या बोलते हैं मस्जिद मंदिर में जा करके जो है पूजा करके आ जाएंगे, और फिर हम घर आ करके जो है अपने घर वालों पे अपने पड़ोसियों पे सबके साथ झूठ बोलेंगे, फिर कहाँ है धर्म। गांधी ने तो धर्म को सत्य के रूप में देखा है, गांधी ने धर्म को प्रेम के रूप में देखा है, गांधी ने धर्म को क्षमा के रूप में देखा है। तो अहिंसा के कोर में और उसके आसपास जो ये चीजें हैं, तो हम तो धार्मिक होने की बात करके भाई बहुत बड़े धर्म को इस्लाम को हिंदुइज्म को क्रिश्चियनिटी को और सिखिज्म को और दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो फिर कहाँ चला गया हमारा सत्य हमारा अहिंसा हमारा प्रेम, शायद एक बार हमें सोचने की जरूरत है। जी बहुत खूब बहुत खूब। जी जी मैं ये आप मोहन जी को बुलाती हूँ, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि हमारे कई दर्शकों ने बहुत सुंदर अपने विचार भी रखे हैं और एक कईयों ने आप सब जो कह रहे हैं उसकी बहुत सराहना की है। एक नेविश दीपक भगत हैं जिन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग एट लीस्ट वेयर वी आर इन द स्पेक्ट्रम्स ऑफ वायलेंस एंड नॉन वायलेंस एंड दैट दिस इनसाइट लीड्स टुवर्ड्स लिसनिंग टू द इनर वॉइस। तो मैं उन सभी दर्शकों का शुक्रिया करती हूँ जो शामिल रहे। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी मैं तो केवल ये कहूंगा कि इस तरह की बात जो हम ये जो मंच जिस तरह की हम बात कर रहे हैं ये आज हमें जरूरत है, और मतलब इसकी हम शुरुआत भी हम करेंगे कि हम इसको गली चौराहे मोहल्ले सड़क जहां है इस तरह की अहिंसा लोकतंत्र पे बातचीत करें और समाज में इस तरह की बातचीत हो, है ना। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बहुत कुछ अच्छा है और उस अच्छे को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे ना, हम केवल नकारात्मकता ना देखें और हम सकारात्मकता को देखते हुए आगे बढ़े और लोगों से उस तरह की बातें करें और उनसे ही बात मतलब उनसे वो जब मतलब हमको कोई थोपने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा, हम उनको सुने उनके क्या विचार हैं और एक तर्क संगत हम बात कर सकते हैं। और मतलब मैं अभी जैसे मैं जब पूरे सेशन बात कर रहा हूँ तो मुझे अपने ही मतलब एक एक दिन पुराने अनुभव शाम के अनुभव सुबह के अनुभव याद आ रहा है कि ये बात ये इस तरह से, तो हम उस तरह से चीजों को देखें, हमारा एक एक काम को हम इन मूल्यों पे रख के देखें, इन मूल्यों की तलवार पर रख के देखें कि हम कितने चल पा रहे हैं। थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया। एमके साहब थैंक यू रजनी जी आपने
म्यूट पे चला गया। हेलो अभी अभी आ रहा है ना सर? अब आ गई आवाज। जी जी गो अहेड। हाँ मैं पहले ही मेरा एक पॉइंट में बोल रहा था, एक सीनियर सिटीजन को हमारे साथ कन्वर्सेशन करना चाहिए। आई थिंक ये मुझे बहुत अच्छा लगा आप हमको बुलाया। और उसके साथ साथ मतलब क्यों ये बात बोला मैं, हमारा बात सुनते ही नहीं लोग सीनियर्स ने मैं बहुत कर दिया, वो ऐसा रहता उसको कम करना चाहिए, वो हमारा जैसा यूथ को लेके आना चाहिए और उसमें बहुत सारे डिफरेंट व्यूज रहने लोगों को होना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। और ऐसा कन्वर्जेशन से हमको भी एक फील आता कि हम किधर है, क्या हम बोल रहे वो सही में कर रहे क्या। कभी कभी एक हम भी मनुष्य है, उसके वजह से डिप्रेशन में हो जाते कभी कभी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा बना दिया कि अभी सिचुएशन हर व्यक्ति मेरे घर का भी भाई से लेकर हर व्यक्ति, मेरे माँ से लेकर हर व्यक्ति, हर एक करप्शन में शामिल है। मैं भी कभी कभी शामिल रहता हूँ, पता नहीं ऐसा छोटा छोटा हमको अनसीन चीजों में हम रहते हैं, उसको साथ डायलॉग करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ऐसा प्लेटफॉर्म से आई थिंक हम उससे बाहर आने के लिए और एनर्जी लेने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। थैंक यू वेरी मच रजनी जी, थैंक यू। आप सबका थैंक यू, जो आप काम कर रहे हैं, जिस राह पे आप चल रहे हैं उससे हम सब, खासकर अब सीनियर लोगों को बहुत एनर्जी मिलता है। जी जी, सीनियर मतलब खाली एज में। हाँ या बिरेन जी, थैंक यू। मुझे तो ये पिछले 1.5 घंटे से एक हर्ष और उल्लास जो आपने शब्द यूज किया था पहले, तो वो मुझे महसूस हो रहा था, एक बहुत सुकून दिल को मिल रहा था। और ये आप आज हमने 3 हमारे पहले बैच के फेलोज को मिले हैं, लेकिन बाकी हमारे जितने भी फेलोज है, आई नो दैट ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू लिव दिस। ये बहुत मुश्किल है इसको जीना, इसको आत्मसात करना, इस राह पे चलना, बिकॉज ये कठिन राह है। इसमें बहुत प्रलोभन है, बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर्स है, बट इस राह पे चलना बहुत कठिन है। बट दे हैव ऑल टेकन दिस, दे हैव दिस करेज टू वॉक ऑन दिस पाथ। और आज इनको सुनकर, ये सिर्फ बौद्धिक नहीं, उन्होंने अपने अनुभव भी शेयर किए, प्रसंग शेयर किए, और दे आर ट्राइंग टू लिव दिस एंड विद दैट ह्यूमिलिटी दैट वी मे गो रॉन्ग एंड with that mindfulness to always check oneself, अपने आप को हमेशा examine करते रहना। तो ये सुनकर बहुत आनंद भी महसूस हो रहा है, बहुत गर्व भी फील हो रहा है। आपने क्लोजिंग के लिए भी कुछ एक दो पॉइंट्स मैं बोलना चाहूंगा। मुझे आज की जो ये तारीख में, आज की जो व्यवस्था है, जो माहौल है, उसमें मुझे एक बड़ा सा एक दुख भी है और एक शर्म भी है। मुझे शर्म इस बात की है कि मैं इस समाज का एक हिस्सा हूं जहां पर ये सारी चीजें हो रही है, जहां पर कथुआ में एक 4 साल की बच्ची का बलात्कार भी होता है, और जहां पर एक पूरा गांव मिलकर एक व्यक्ति को, चाहे उसकी जो भी भूल हो, कौन सही कौन गलत वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, चाहे जो भी भूल हो उसकी, लेकिन उसको आप जिंदा मार दो, एक मॉब लिंचिंग कर दो फॉर वॉट एवर रॉन्ग और राइट दैट ही मे हैव डन। And such like so many such instances, this shame descends on my shoulders as well. This is not just the shame of the people who have perpetrated this. This is my shame as well. This rests heavily on my conscience as well. And I just feel मैंने आज ही किसी एक वरिष्ठ हमारे ऐसे हैं जो हम उनको बहुत मानते हैं, हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े हैं, और मैंने आज उनको एक मैसेज भेजा कि जो भी आज की तारीख में जो अपने आप को इनसिक्योर, अनसेफ, टारगेटेड फील करते हैं, आई जस्ट फील वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट होल सिस्टम, दैट सोसाइटी। एंड व्हाट मोहन सेड इज ट्रू, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इन क्लोजिंग, नागालैंड में हमारे एक गुरु टाइप है, गुरु ही है, निकेतु इरलू, आप भी उनसे रूबरू हुई है। तो निकेतु जो बार बार ही कोट्स नोबेल प्राइज विनर अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन,
And he says that what Solzhenitsyn mentioned, that a lie can come into this world and can even flourish, but not through me. झूठ इस दुनिया में आ भी सकता है, सवर भी सकता है, लेकिन वो मेरे से नहीं आएगा. और अगर हम सब ये ठान ले इंडिविजुअली दैट वी विल नॉट फर्दर एग्रेवेट द प्रॉब्लम, वी विल टेक दीज स्टेप्स, वी विल डू वट एवर इज नेसेसरी एंड वट एवर इज पॉसिबल, आई थिंक दैट्स द वे टू गो. एंड जितना भी व्यापक, जितना भी मॉन्यूमेंटल वो प्रॉब्लम साउंड करे, मुझे लगता है कि वी कैन. Thank you very much for this opportunity. इसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. मैं बस दिल से आप सभी का शुक्रिया करती हूँ. ललिता जी को अभी भी याद कर रही हूँ. आई होप कि जल्दी हम एक और सेशन करेंगे जिसमें वो भी शामिल होंगी और आपके और साथी भी शामिल होंगे. तो बहुत बहुत शुक्रिया और सब संपर्क में रहिएगा. कीप इन टच. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू ऑल हु जॉइंड द लाइव सेशन ऑन यूट्यूब. And please keep tuning in, and we hope to do more such sessions. Thank you all. Yeah.